हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दक्कन इंडिया में। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद। तो जी हाँ दोस्तों, YMCA जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद के अंदर, इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है काफ़ी सारी, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। इसके मैं बता देता हूँ, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2019। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी नई जॉब आती है इस पर वीडियो बना के अपलोड की जाती है। तो दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन फार्म है वो ऑनलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करना है और उसको पेन से फिल करना है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट लगा के इसको सबमिट करवाना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पोस्टों का नाम और यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल पोस्ट। तो फर्स्ट कॉलम हमारा डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्टें हैं, इसकी टोटल दो पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए एक है और एससी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद में है असिस्टेंट की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसकी चार पोस्टें दे रखी है। जनरल कैटेगरी की तीन है, एससी की एक है। इसके बाद में असिस्टेंट, असिस्टेंट की टोटल सात पोस्टें हैं दोस्तों, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए तीन है, जनरल कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं दे रखी है इसमें। नेक्स्ट है इसमें स्टेनोग्राफर के लिए, यह जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें टोटल पांच पोस्ट है, जनरल के लिए तीन पोस्ट है। नेक्स्ट है हमारी इम्पोर्टेंट पोस्ट है क्लर्क की, क्लर्क की पोस्ट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट है वो 18 है, जनरल की 6, और जो एक्स रिशमैन है जनरल कैटेगरी में उसकी 2, एसी कैटेगरी की 3, एक्स रिशमैन एसी के लिए 1, बीसीए के लिए 2, बीसीए एक्स रिशमैन 1, बीसीबी 2 और एक्स रिशमैन बीसीबी 1। तो ये तो थी क्लर्क की पोस्टें। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है। अगर आप ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लीकेशन फार्म भी हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फार्म कैसे भर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट लैब असिस्टेंट की पोस्टें, लैब असिस्टेंट की टोटल पोस्टें 9। अब यहाँ पे दिया जनरल कंडीशन, अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है अप्लीकेशन फ़ीस है, यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट है बैंक से बनवाना है, 500 रुपये का है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अदर कैटेगरी है एसी एसटी उनके लिए है 125 रुपये का। और जो फीमेल कैंडिडेट है हरियाणा से उनके लिए है 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। आपको कटवाना कैसे है डिमांड ड्राफ्ट, आपको बैंक के अंदर जाना है और जो बाउचर होता है उसके अंदर ये लिखना है फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जैसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद पेएबल एट द फरीदाबाद, ये जो है उसके अंदर लिखना है। और 500 रुपये या जनरल कैटेगरी में हो या अदर कैटेगरी में हो तो उसके हिसाब से आप पैसे जमा करवा सकते हैं, आपको डिमांड ड्राफ्ट मिल जाएगा। ये अप्लीकेशन फार्म के साथ ओरिजिनल भेजना होता है। एज लिमिट के बारे में बात करें, एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है 18 से 42 ईयर तक है। अभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पोस्टों वाइज इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इसमें दे रखी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशंस और एक्सपीरियंस के बारे में भी इसमें दिया हुआ है अगर किसी के पास हो तो। ये फर्स्ट डिप्टी रेंजर की पोस्ट है, इसका पेमेंट भी यहाँ पर दे रखा है, मास्टर ऑफ LLB, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें असिस्टेंट की पोस्ट, असिस्टेंट में बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स और डाटा एंट्री और क्लर्क टाइपिस्ट, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद में जूनियर स्टेनोग्राफर, पेमेंट इसका 5200 से 20200 तक है, 2400 ग्रेड पे है।
बेचुलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, 80 की टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड में, ये सारी आपको चेक करना है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अंदर से। जो इसके अंदर आप इजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हमारी इंपॉर्टेंट पोस्ट आ गई है क्लर्क की। क्लर्क की भर्ती के लिए पेमेंट है 5200 रुपये से 20200, और जो ग्रेड पे है वो है 1900 रुपये। इसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BCA, BCOM, BA जो भी है, और डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के लिए, और इसमें क्या दे रखा है, टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं क्लास के अंदर। इसके बाद में है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट की भी BSc मांग रखी है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, वो भी इसके अंदर काम करेगा। तो भी आता है इसका सिलेबस, सिलेबस का भी इसके अंदर दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस भी इसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में दे रखा है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता रखा है इन्होंने, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे ये सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है डिप्टी रेंजर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। और नेक्स्ट में है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट जूनियर स्टेनो क्लर्क और लैब असिस्टेंट। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन तीनों पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ETC। अलग अलग नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्सपीरियंस के कितने नंबर आपको मिलेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। ये सिलेबस दिया हुआ है क्लर्क के लिए कि रिटर्न टेस्ट है वो 70 नंबर का है और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है वो 20 नंबर का है। इसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं, इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का होगा, यह है इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जो बैंक से कटवाओगे उसका नंबर, कौन सी तारीख को कटवाया है, कौन से बैंक से है और कितने रुपए का है। यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपकी पोस्ट का नाम, आपका नाम, फादर या हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम, इसमें आपका पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारे बड़े बड़े अक्षरों में साफ ब्लैक या ब्लू पेन से आपको फिल करना है। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज, पैलेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारा इसके अंदर फिल करना है, आधार कार्ड नंबर, और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी इनके फार्म के पीछे लगानी है, और जो इनका एड्रेस है उस पर भेजना है। इसके अंदर आपके पासिंग ईयर, कितने साल का कोर्स था, कौन से बोर्ड से किया है, टोटल नंबर कितने नंबर आए, कौन सी डिवीज़न आपकी रही है, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। आपको बस फिल करना है और इस पर सिग्नेचर करना है, फ़ोटो लगाना है और डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल लगा के इसको जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर सबमिट करवा देना है। दोस्तों अगर इसके बारे में अन्यथा कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी नई वीडियो आएगी तुरंत आपको पता चलेगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी।